चू। आज की सनसनीखेज खबर ये है, पानी की प्रॉब्लम से इतना तंग आ गया हूँ कि जब तक पानी नहीं आएगा मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। अरे बहू, ये तो अपना विशाल है ना? नहीं नहीं, ये तो मेरे विश है। अगर ये संघर्ष ट्राई की मेरी जान भी चली जाए इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार। ए मारी माई, ये तो जान देने की बात कर रहे हैं। पर बहू, ये है किसके घर में? अरे दादी जी, होगा ऐसा कोई दूसरा घर। हाँ, गोविंदे की पिक्चर देखने का बहुत शौक है ना, तो उसकी तरह होगा दूसरा कोई घर। ए चापले चुप कर, जब देखो जब कुछ तो भी बोलता रहेगा। मेरे विशु ऐसे बिल्कुल नहीं है। अभी फोन करती हूँ उनको। कटेंगे हमारो फोन। घंटी जा रही है। रुको, सिमरन नहीं है, उठा सकता हूँ। हेलो हेलो विशु, आपको टीवी पे दिखा रहे, आप कुछ वो टेंगर स्ट्रोक कर रहे। टंगर स्ट्रोक नहीं रुकू, हंगर स्ट्राइक कहते हैं उसे। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? ये सब करने की जरूरत क्या है, मतलब क्या? अरे पानी के लिए लोग मर रहे हैं, हर जगह लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अब किसी ना किसी को तो कोई कदम उठाना ही पड़ेगा ना। हाँ मगर आप है कहाँ? मैं अपने घर। अपने घर? मतलब अपने बॉस की मौसी के घर। रुको के उसके घर भी पानी की प्रॉब्लम है ना, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहीं बैठ के भूख हड़ताल करूंगा। तो वहां पर भूख हड़ताल करने की क्या जरूरत है, यहाँ पर करो ना। वैसे भी विचू, मैंने पता आज तक नहीं देखी कि भूख हड़ताल किसे कहते हैं। भूख हड़ताल कोई जुलूस है कि तुम देखोगी? लेकिन अरे समझने की कोशिश करो रुकू, बॉस के मौसी के घर में हंगर स्ट्राइक नहीं करूंगा तो बॉस नौकरी से निकाल देगा। तुम भी कितनी भोली हो रुकू। ए जी, आप ये रुकू कहते हो ना, तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मुझे आगे क्या कहना ये मुझे याद ही नहीं रहता है। अच्छा आप जो भी कर रहे हो ना, भूख हड़ताल वो करते रहो करते रहो। और सुनो, कुछ खाने पीने का सामान भिजवा दो क्या? अरे रुकू, मैं भूख हड़ताल पे हूँ, पिकनिक में नहीं हूँ, मैं कुछ खा पी नहीं सकता, समझने की कोशिश करो यार। कुछ भी खाओगे पियोगे नहीं आप? कल तक। कल तक? कल तक, क्योंकि मुझे पता है कि कल पानी आने वाला है। जैसे ही पानी आएगा ना तो सबको लगेगा कि मेरी वजह से पानी आया और मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगा। ए मारी भाई, मतलब आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे, मतलब आपको सब पहचानने लगेंगे। करिए करिए विशु, भूख हड़ताल करिए, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, ओके बाय। अरे क्या हुआ बहू? मैंने कहा था ना मम्मी जी कि मेरे विशु ऐसे नहीं है, वो अपने बॉस की मौसी के घर पर भूख हड़ताल कर रहे और वो सिलबट्टी बन गए। सिलबट्टी बन जाएंगे? अरे बहू, भला भूख हड़ताल करने से कोई सिलबट्टी बनता है क्या? अरे मम्मी जी, सिलबट्टी नहीं सेलिब्रिटी। हाँ वही। लेकिन बहू, अगर कल तक पानी नहीं आया तो? ऐसे कैसे नहीं आएगा मम्मी जी, विशु आपके जैसे थोड़ी है। हाँ वो तो है, लेकिन बहू जो भी कहो, हमारा विशाल है बहुत अकलमंद, जो भी काम करता है ना बड़ा सोच समझ कर डिसाइड करता है। ए मारा भेरू बाबू जी, जल्दी से आप पानी की परेशानी को दूर कर दीजिए, आपके पास नारियल चढ़ाने आऊंगी। जय। ये कैसे बजी? अरे मम्मी जी, वो नहीं बजी, डोरबेल बजा, डोरबेल। बजा लो कभी भगवान प्रसन्न हो गए तो। विशाल बाबू कहाँ जा रहे हो? अरे विशाल बाबू, सुना है आजकल तो बड़ा टीवी में छाए हुए हो, है क्या बात है? बड़ा अच्छा लग रहा है। श्याम, क्या है कि मैं हंगर स्ट्राइक कर रहा हूँ ना। हंगर स्ट्राइक? हाँ सही है। अरे मैंने टीवी पे देखा है कि तुम हंगर स्ट्राइक कर रहे हो। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, क्या अच्छा है?
हाँ अच्छा है, इससे हमारे ऑफिस का नाम रोशन होगा। अरे विशाल बाबू कंपनी के जनरल मैनेजर है और पानी के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। अरे विशाल बाबू अगर पानी आ गया ना तो आप रातों रात स्टार बन जाएंगे। अगर पानी नहीं आया ना तो मैं एक दूध का लोटा जरूर लेकर आऊंगा। नहीं घनश्याम नहीं, मैं हंगर स्ट्राइक कर रहा हूँ। दूध क्या, मैं तो एक बूंद पानी भी नहीं पी सकता। अच्छा मरने के बाद तो पियोगे ना? क्या, मैं मरने के बाद की बात कर रहा हूँ विशाल बाबू। अगर आप मर गए ना तो मैं दूसरे दिन शमशान में एक दूध का लोटा लेकर जरूर आऊंगा। हाँ दूध का लोटा लेकर जरूर लाना। अरे क्या क्या दूध का लोटा लेकर आना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना ही मैं मरूंगा और ना ही पानी नहीं आएगा। मैं जानता हूँ कि पानी आएगा। आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? वो क्योंकि मैं विशाल राजपूत हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहा है तो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। हाँ सही है, अगर विशाल हंगर स्ट्राइक पे बैठेगा तो पानी तो आ ही जाएगा ना। क्या विशाल बाबू बड़े चुभे रिश्ता निकले आप, हैं? रातों रात स्टार बनने का फॉर्मूला आपने निकाल लिया, हमें कानोगान खबर भी नहीं होने दी। कानोगान खबर भी होने नहीं थी। अरे बॉस ये सब बातें होते रहेंगी। मैं आपसे ये कहने आया था कि अगले दो दिन के लिए मैं ऑफिस नहीं आ सकता। हाँ अगले दो दिन तो, अरे दो दिन क्या, अगले 10 दिन ऑफिस में था। अरे यार तुम इतना अच्छा काम कर रहे, पायस काम कर रहे, पुण्य वाला काम कर रहे, पानी लाने का काम कर रहे। अरे गॉड ब्लेस यू। और विशाल बाबू अमर रहे, विशाल बाबू अमर रहे, विशाल बाबू भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, विशाल बाबू भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, विशाल बाबू अमर रहे, विशाल भाई अमर रहे, विशाल भाई अमर रहे, विशाल भाई अमर रहे। क्या बोल रहे हो तुम लोग, ये नारा आदमी के मरने के बाद लगाया जाता है। वो वाला नारा लगा ना कि वो जब तक सूरज चांद रहेगा विशाल तेरा नाम रहेगा। चलो चलो हाँ चलो भाई चलो शुरू करो। जब तक सूरज चांद रहेगा विशाल तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा विशाल तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा विशाल तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा विशाल तेरा नाम रहेगा। क्या बात है विशाल जी, अपने तो ये कदम उठाकर हमारा सोसाइटी का नाम ऊंचा कर दिया है। हाँ, विंध्या टीवी पर दिन भर अपने सोसाइटी को दिखाया जा रहा है। अरे ये सब तो करना ही पड़ता है। और खंडेलवाल जी खास करके आपका थैंक यू, आप मेरे लिए माला लाए। अरे विशाल भाई इसमें थैंक यू की क्या बात है, वैसे भी अंतिम समय में माला पहननी ही पड़ती है। अंतिम समय विशाल भाई अब ये बताओ तुमने, मैंने तो बताते हुए भी शर्म आवे, ये जो सरकार हो गए है ना इस पे मेरा एक पैसे का विश्वास नहीं है। एक बार एक आदमी ने सरकार को धमकी दी कि तुम यो महंगाई कम कर लो वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। फिर क्या हुआ, जिस दिन उसे खुदकुशी करनी थी ना उस दिन सारे के सारे लोग आ गए और वो आदमी भी पहुंच गया पेट्रोल का डब्बा हाथ में लेके। लेकिन सरकार ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी कर दी और बोल दिया कि जैसे ही आग लगावे ना तो पानी से बुझा देना। तो उन्होंने पानी से बुझाया? विशाल भाई उसने भी यही सोचा कि जैसे ही माचिस की तिल्ली जलाऊंगा ना ये पानी से आग बुझा देंगे। अब उसने अपनी धोती पे पेट्रोल छिड़क लिया और तिल्ली डाल के आग लगाई तो फायर ब्रिगेड वालों ने पानी का नलका खोल दिया। अरे उसमें से पानी ना निकला। क्यों? अरे फायर ब्रिगेड की टंकी में पानी ना था। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ भैया? अरे भाभी जी होना के था, आधे घंटे बाद उसका छोरा आया पानी का लोटा लेके, लोटे में उसकी राख लेने। तो भाइयों सब मिलके बोलो विशाल भाई अरे। अरे बावली पूछ यो के कर रहे हो वो वाला नारा लगाओ, जब तक सूरज चांद रहेगा विशाल तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा विशाल तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा विशाल तेरा नाम रहेगा। उनको कह तो दिया हैंगर स्ट्रिक कर लो लेकिन मेरा बहुत जी घबरा रहा है, पता नहीं कैसे करेंगे वो हैंगर स्ट्रिक। अरे मम्मी हैंगर स्ट्रिक नहीं, उसे हंगर स्ट्राइक कहते हैं। हंगर वो होता है जिसमें आप कपड़े लटकाते हैं ना वो, और हंगर मतलब भूखा रहना। मैं भी तो वही बोल रही हूँ, अब इंसान भूखा रहेगा तो हैंगर जैसे ही तो लटक जाएगा। मम्मी जी पता नहीं मेरा भी छुट्टी साल में होगा। अरे ये बात तो है बहू, अब सेलाबट्टी बनने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना।
जी सेला बट्टी नहीं, सील बट्टी। अरे बहू, अब सेला बट्टी ही कहते हैं उसको। अरे मेरे को पता है ना मम्मी जी, सील बट्टी। ओहो, मैं बोल रही हूँ ना कि सेला बट्टी कहते हैं। अरे मैं बोल रही हूँ ना सील बट्टी, मैंने कितनी बार मिर्चिया कूटी है, जेल 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 करके। छी 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 करके नहीं कूटी है, अरे सेला बट्टी बोल रही हूँ। आप दोनों मिलके सेलिब्रिटी की तो ऐसी तैसी कर दोगे। अब सेला बट्टी हो या सिल बट्टी, हाँ अब अच्छा काम करने के लिए थोड़ी बहुत तो तकलीफ होगी ना। लेकिन बीचू ने आज तक तो कोई व्रत नहीं रखा, यानी भूखे प्यासे कैसे रहेंगे। एक काम करते, हम वहाँ चलते। वहाँ कहाँ? और उनके दोस्त के यहाँ। अरे पर उसके दोस्त का पता कहाँ है? वो तो मैं भूल ही गई, और ऊपर से उनका फोन भी नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं बहू, वो न्यूज चैनल है ना टीवी पे, उस पे देख लेते हैं विशाल को। मम्मी जी, वाह मम्मी जी, आप में इतना दिमाग आया कैसे? मेरा मतलब है जो दिमाग मुझ में आने वाला था वो आपके इसमें आ गया। चलो चलो टीवी लगा। तो ये थी हमारी आज की विशेष पेशकश, सोफे से बच के रहना। सोफा जान ले लेगा, मैंने सोचा कि सोफा मेरी जान ना ले ले। अरे मम्मी जी, एक महीने से न्यूज आ रही है सोफा पे मत बैठना, नहीं सोफा आपकी जान ले लेगा, पता नहीं क्या। अच्छा? हाँ, और बताए सोफे ने सही में एक की जान तो ले ही ली। क्या बात कर रही हो बहू? हाँ माँ जी, एक दिन न्यूज चल रही थी और उसमें यही जो बोल रहे है ना, यही आ रहा था कि सोफा आपकी जान ले लेगा, सोफे से बच के रहना। तो वो सोफे में ढूंढने लग गया कि आखिर सोफा कैसे जान ले सकता है, और ढूंढते ढूंढते वो सोफे के नीचे घुस गया। उतने में उसकी बीवी आई, सोफा पर दम करके बैठ गई और उसकी जान चली गई, और ऐसे एक सोफे ने और जान ले ली। तब से न्यूज आ रही है सोफे ने जान ले ली, सोफे ने जान ले ली। तो ये थी हमारी चेतावनी, सोफे से बच के रहना। हम आपको ले चलते हैं वहाँ जहाँ एक आदमी पानी की प्रॉब्लम को लेकर भूख हड़ताल कर बैठा है। विशाल भाई हमारे, विशाल भाई हमारे, विशाल भाई हमारे। मारी भाई, ये से नारे क्यों लगा रहे? विशाल अमर रहे, विशाल अमर रहे। वो क्या मरने वाले? मरते समय बोलते हैं ऐसा? अरे ये बात नहीं है भाई, असल बात हमारा बेटा बहुत अच्छा काम करने जा रहा, इसलिए लोग चाहते हैं कि वो अमर रहे, इसलिए नारे लगा रहे हैं। अच्छा, मतलब विशु ने हम सबका नाम रोशन कर दिया मम्मी जी। चार चांदनी थाली में, विशाल भाई नाली में। ए, क्या बोल रहे हो? अरे बावली पूछो यो के कर रहे हो, वो वाला नारा लगाओ। जब तक सूरज चांद रहेगा विशाल तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा विशाल तेरा नाम रहेगा। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, मिस्टर विशाल पानी की प्रॉब्लम को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, और यही हमारी आज की खास पेशकश का शीर्षक है, पानी और सुसाइड। तो मिस्टर विशाल, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने हंगर स्ट्राइक पर बैठ के सुसाइड करने का फैसला क्यों किया? अरे मैं कोई इसलिए ना क्योंकि सरकार ने आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। मिस्टर विशाल, क्या आपको लगता है कि आपके इस हंगर स्ट्राइक से सरकार की आंखें खुल जाएंगी और वो इस पानी की समस्या को सॉल्व कर देंगे? देखिए मैं वो ओके आप ये कहना चाहते हैं कि देखते हैं कब तक सरकार की आंखें नहीं खुलती और ये पानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। लेकिन मिस्टर विशाल ये बताइए, अगर ये पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो भी गई तो किसका थैंक्स करना चाहेंगे? मैं आप मुझे थैंक्स करना चाहेंगे ना? थैंक यू। मिस्टर विशाल एक बात बताइए, कल को अगर हमारी सोसाइटी में कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे ही पूरे जोश के साथ उठ के सामने आएंगे? मिस्टर विशाल, विशाल, मिस्टर विशाल, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ओके आप नो कमेंट्स कहना चाहते हैं ना, मैं समझ गई। तो दर्शकों ये है मिस्टर विशाल जो पानी की समस्या को सॉल्व करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, और तब तक
कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक सरकार इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। और हमारी ये खास पेशकश यूं ही चलती रहेगी, पानी और सुसाइड देखते रहिएगा बिंदिया टीवी पर। मैं कैमरामैन रामगोपाल वर्मा के साथ हेमा मालिनी, बिंदिया टीवी के लिए कट। वेरी गुड मिस्टर विशाल, वेरी गुड। हस्बैंड किसके हैं ये सी? वेरी गुड मिस्टर विशाल। वैसे कल तक पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी ना? कल तक वो मैं ये कह रही थी कि कल तक अगर पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो अच्छा है ना? अच्छा है। नहीं मतलब ऐसे ये समस्या इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगी, लेकिन अगर हो जाए तो ठीक है। फिर भी विशाल भैया अरे यार जिंदा तो तब रहूंगा ना जब कुछ खाऊंगा पीऊंगा, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है यार। विशाल भाई आपने जो कदम उठाया ना वो वाकई में ना काबिले तारीफ है। बिल्कुल तारीफ काबिल है। एक भूखे आदमी का दर्द मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। थैंक यू। मैं तो एक मिनट भी भूखा नहीं रह सकता, इसलिए मैंने घर से ये गर्मा गर्म 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 आलू के पराठे लेके आए हैं। आलू के पराठे मेरे फेवरेट है। ये तो कुछ भी नहीं है, वो दिल्ली के गर्मा गर्म चांदनी चौक पे पराठे। रमन ये खाने की बात कर रहा है यार। अरे विशाल भाई ये तो कुछ भी ना, रोज तक मैं हमारे ताऊ की छोरी के गांव में जो रबड़ी मिला करी थी ना, के जबरदस्त स्वाद था उसका। रबड़ी तो मेरी फेवरेट है यार। अरे ये रबड़ी तो कुछ भी नहीं है, है? जो हमारे यहाँ जोधपुर में पहलवान की दुकान पे गाजर का हलवा मिलता है, मुँह में पानी आ जाता है। गाजर का हलवा तो मेरा सबसे फेवरेट है। विशाल डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। अरे ठीक तो तब होगा ना जब पानी आएगा। कुछ कहा तुमने? मुझे बहुत भूख लगी है, फ्रिज में केक पड़ा है, खा लूं? यू टू ब्रूटस। अरे यार इस हंगर स्ट्राइक ने तो मुझे भूख के मारे जान निकाल ली है यार। कोई नहीं है, कुछ खा लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त रात के 3 बज चुके हैं और मिस्टर विशाल अभी तक जागे हुए हैं। मिस्टर विशाल ने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं। मिस्टर विशाल जिन्होंने आज सुबह ही हंगर स्ट्राइक डिक्लेयर किया। आप लोग अभी तक यहीं हैं? अब तो जब तक आप हैं मिस्टर विशाल तब तक हम यहीं पे हैं। अरे जब तक मैं हूँ से क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि जब तक आपकी हंगर स्ट्राइक चलेगी आपके ऊपर हमारी ये विशेष पेशकश आपको 2400 घंटे कवर करती रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं उनको अपनी भूख की प्यास की कोई चिंता नहीं और ये अपनी हंगर स्ट्राइक पर डटे हुए हैं। कैमरामैन रामगोपाल वर्मा के साथ मैं हेमा मालिनी बिंदिया टीवी के। मिस्टर विशाल आप लोग अभी तक जाग रहे हैं? हम जागेंगे नहीं तो आपके ऊपर हर रोज 4 घंटे की विशेष पेशकश कैसे बनाएंगे? पर आप इस वक्त क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं वो कुछ कैमरा बंद है। देखिए मैडम मैं सोच रहा था कि यहाँ से कुछ ले लूं। आप खाना खाने आए थे यहाँ पे? अरे मैडम मुझे बहुत भूख लगी है, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैडम मुझे थोड़ा खा लेने दो, और वैसे अभी कैमरा भी बंद है कोई देख भी नहीं रहा, थोड़ा कुछ खाने दीजिए ना। अरे विशाल जी ये सब ऑडियंस के लिए नहीं हमारे लिए है। समझो ना अगर आप भूखे नहीं रहेंगे तो आपको ये भूखे वाले एक्सप्रेशन हमें कैसे मिलेंगे? एक भूखे इंसान और एक खाए पिए इंसान के एक्सप्रेशन में फर्क तो होता है ना। अरे मगर अगर मगर कुछ नहीं, आप खाना नहीं खाएंगे मतलब नहीं खाएंगे।